राजस्थान में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का चुनावी शंखनाद। अमित शाह की नजर में आखिर कौन है चंगू मंगू? इस साल के आखिरी में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। हालांकि सत्ता में होने की वजह से बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि चुनाव प्रचार अभियान की कमान खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अपने हाथों में ले ली है। इसी कड़ी में अमित शाह ने जयपुर के सूरज मैदान में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हम्टी डम्टी और चंगू मंगू कहते हैं कि हमें अहंकार हो गया है। इनको पता ही नहीं कि अहंकार और आत्मविश्वास में अंतर क्या होता है। हमें अहंकार नहीं, आत्मविश्वास है। प्रदेश के 4 जिलों के शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि ये किसी नेता, किसी मुख्यमंत्री, किसी मंत्री और विधायक का चुनाव नहीं है, ये बीजेपी का चुनाव है। आप भारत माता को देखकर वोट कीजिए, दाएं बाएं मत देखिए। उन्होंने कहा कि अपना चुनाव समझकर चुनाव में लग जाइए। अमित शाह यही नहीं रुके, आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान में बीजेपी अंगद का पांव है, इसे कोई हिला नहीं सकता है। आप लोग 2019 को ध्यान में रखकर राजस्थान में बीजेपी को जिताइए। अगर हम 2019 में जीत गए तो 50 साल तक केंद्र की सत्ता से हमें कोई हिला नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के कार्यकर्ता हमारे पास आते हैं, मुंह लटकाए हुए बैठ जाते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं। हमने कहा कि मुंह मत लटकाओ, मतगणना के बाद आना, जितना छाती पीटनी हो छाती पीट लेना। बीजेपी के दफ्तर में बैठते हैं, अभी तो एक होकर चुनाव में लग जाओ और पार्टी को जिताओ। हालांकि राजस्थान में हर 5 साल पर सत्ता बदलने का इतिहास रहा है, ऐसे में इस बार बीजेपी प्रदेश में अपनी सत्ता बरकरार रख पाती है या नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।